हरे कृष्णा, आपका स्वागत है इस प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में। आज प्रभुपाद के बारे में और एक हम लीला देखेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका गए फ्लाइट से। जब अमेरिका गए उधर जब फ्लाइट से उतरे तो बहुत सारे भक्त आए थे उनका स्वागत करने के लिए और ज़ोरदार कीर्तन हो रहा था। प्रभुपाद वहाँ पे आए, सब फॉर्मेलिटीज़, इमिग्रेशन के सब फॉर्मेलिटीज़ सब हो गए और फिर प्रभुपाद बाहर आ गए तो सभी भक्त बहुत खुश थे। उनको दंडवत किया प्रभुपाद को। और फिर वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स भी आए थे तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया। प्रभुपाद बैठे थे, सारे शिष्य बैठे थे, कुछ रिपोर्टर्स भी थे। तो एक रिपोर्टर वहाँ पे आया और उसने प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। तो श्रील प्रभुपाद बोले, यस पूछो, आपका क्या प्रश्न है। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस रिपोर्टर ने कहा कि आप सब ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कितना कुछ करते हैं। सुबह से लेके रात तक सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, दिन भर भगवान की सेवा करते हैं, इतना कुछ करते हैं आप भगवान कृष्ण के लिए। आपका पूरा जीवन दे दिया आप सब हरे कृष्णा वालों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो कितना कठोर परिश्रम करते हैं आप भगवान श्री कृष्ण के लिए। लेकिन अगर अंत समय में आपको ऐसा पता चला कि भगवान कृष्ण जो है वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं, तो क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न उस रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद को पूछा। तो सब भक्त सोच रहे थे अभी श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर देगा। तो प्रभुपाद बोले कि माना आपका जो आप बोल रहे जो वचन वो सच है कि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, हमारा पूरा विश्वास है, सभी शास्त्र वही कहते हैं, सभी साधु संत वही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, उनका अस्तित्व है। लेकिन मान के चलो कि आप बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं, फिर भी आप देखो जो हम हरे कृष्ण वाले हैं हमारा जीवन कितना आनंदी है। हम सुबह से लेके शाम तक जो कार्य करते हैं उसमें आनंद ही आनंद है। आप देख रहे हैं ये सारे भक्त आजू बाजू में बैठे हैं वो कितना आनंदी है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, ये हमारा प्रोसेस है। संकीर्तन करो, नृत्य करो और फिर थक जाने के बाद प्रसाद ग्रहण करो। तो हमारा प्रोसेस जो है वो कितना ब्लिसफुल है, आनंदमय है। तो अगर आपका मानना भी है कि भगवान श्री कृष्ण है भी नहीं, फिर भी हम लोगों का जो जीवन है वो कितना आनंद से भरा है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। तो हमने एक अच्छा जीवन जिया, आनंदमय जीवन जिया, तो हमारा उसमें कुछ लॉस नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद फिर उसको बोले, उस रिपोर्टर को, लेकिन अगर आपके जीवन के अंत में आपको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण है तो फिर क्या होगा। तो रिपोर्टर एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि प्रभुपाद बोले आप लोग जो है अभक्त, आप पूरा जीवन पाप करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते और फिर पाप कार्य में लगे रहते हैं, और पाप करते हुए आपके जीवन में दुख ही दुख आता है, सुख तो आता नहीं है। तो पूरा जीवन आपका जो है दुख से भरा है और अंत में भगवान आएंगे मृत्यु के रूप में और फिर अगले जन्म में आपको नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि आपने इतने पाप किए। इसलिए आपके जीवन में, इस जीवन में दुख है और अगले जीवन में भी दुख है, यानी आपका जीवन क्या है, लूज लूज है, लूज लूज सिचुएशन। इस जीवन में दुख है और अगले जीवन में भी दुख है। इस जीवन में पाप किया, अगले जन्म में नरक में जाएंगे, इसलिए आपके जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन हमारा जीवन देखो, हम क्या करते हैं, बस चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, कितना अच्छा जीवन है। तो इस जीवन में भी सुख है और फिर मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम चले जाएंगे वैकुंठ, और उधर भी सुख है। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया कि आपका जीवन में क्या है, अभक्त के जीवन में क्या है, लूज लूज सिचुएशन है, और जो भक्त के जीवन में क्या है, विन विन सिचुएशन है। तो आपको क्या चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने पूछा। तो रिपोर्टर बोला कि मुझे विन विन सिचुएशन चाहिए, और बाद में वो रिपोर्टर भक्त बन गए।
तो इस लीला से हम सीखते हैं कि कैसे एक भक्त के जीवन में क्या होता है, आनंद ही आनंद है, और उसका सिचुएशन कैसा है, विन विन सिचुएशन। इस जीवन में भी आनंद है और जीवन के बाद भी आनंद है। लेकिन जो अभक्त है उसके जीवन में, इस जीवन में भी दुख है और अगले जीवन में भी दुख है। तो चॉइस हमारा है, हमें विन विन सिचुएशन चाहिए या लूज लूज सिचुएशन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।